वेलकम टू माय चैनल। आज हम विजिट कर रहे हैं आर्मी स्टेडियम पेशावर का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। ये यहाँ की बिग वसी पार्किंग है। उम्दा और कुशादा पार्किंग है यहाँ की। खूबसूरत माहौल, अच्छी इन्वायरमेंट है यहाँ की। ये यहाँ का एक पुराना कदीमी पार्क था, आज से कमोबेश 10 साल कबल यहाँ मुख्तलिफ अकसाम के झूले फन लैंड हुआ करता था। फिर कुछ वजूहात की वजह से यहाँ से फन लैंड पार्क वगैरह ख़त्म कर दिया गया। अब फिर से असरनो ये तामीर किया गया है और एक अच्छा और खूबसूरत पार्क बनाया गया है। इस पार्क का नाम कर्नल शेर खान शहीद के नाम से है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर, वो फॉलो लाजमी कीजिएगा। बहुत खूबसूरत अच्छा माहौल दिया गया है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। हफ्ता इतवार फैमिली डे होता है यहाँ। बच्चों के खेलने के लिए अच्छी सहूलियात हैं यहाँ पर। ये जो मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि फैमिली और लेडीज़ की वजह से वीडियोस यहाँ पर अलाउड नहीं थी, तो उनसे इजाज़त लेने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया ऐसा जिसमें यहाँ फैमिलीज ना हो या हजूम ना हो। ये यहाँ का कैफेटेरिया एरिया है, यहाँ आपको हर किस्म की खाने की एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा अमला है, बाखलाक अमला है। यहाँ आप देख सकते हैं मशरूबात, खाने पीने की अशिया सब आपको मयसर हैं। एक दिल को खुश कर देने वाला पार्क बनाया हुआ है जहनी सुकून और दिली सुकून के लिए। ये एक अच्छा अमल है हमारी गवर्नमेंट का। खूबसूरत सरसब्ज पौधों से बनाया गया है। ये यहाँ का एक और कैफेटेरिया है, अच्छा माहौल दिया गया है इसे भी। आप टॉप पे बैठना चाहें या ग्राउंड पे बैठना चाहें, अच्छी एनवायरनमेंट है, खूबसूरत जगह बनाई गई है। आप
जब चाहें विजिट करें, देखें। अच्छा एक पार्क बना है, वसी पार्क है ये। फैमिली के लिहाज से बहुत बेहतर है। अच्छा साफ सुथरा माहौल है यहाँ का। ये बच्चों के लिए ये एरिया बनाया गया है। यहाँ पर झूले वगैरह, बच्चों के एंटरटेनमेंट की जगह है। इस वक्त था कुछ नहीं, इस वजह से वीडियोस में झूले वगैरह चला के नहीं दिखा पाए आपको। आप यहाँ पर जॉगिंग के लिए भी आ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं। बहुत प्यारा और खूबसूरत पार्क है ये। इन दिनों गर्मी की वजह से दोपहर के वक्त कुछ खास होता नहीं। तो आप कोशिश करें इन गर्मी के दिनों में सुबह या शाम को विजिट करें। अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी आपको, अच्छा माहौल मिलेगा आपको। पेशावर की खूबसूरती को मजीद इजाफा इस पार्क की वजह से हुआ है। ये यहाँ सामने कुछ लग्जरी होटल्स वगैरह हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस पार्क की हरियाली, सब्जा जो हर दिल को खुशहाली दे सकता है, इंसानी दिमाग फ्रेश हो सकता है। यहाँ पे आके जाकर बच्चों के लिए कुछ प्लेइंग एरिया बनाया गया है एंटरटेनमेंट के लिए, फन लाइन टाइप। ये आप देख सकते हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने फन लाइन बनाया हुआ है यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आज से 8-10 साल पहले फनलैंड पार्क पे मशहूर था, हार्मी स्टेडियम पार्क। तो यहाँ पे जो ये अभी लेटेस्ट अपडेट उन्होंने फनलैंड बनाया है, कुकिंग एरिया बनाया है, कैफेज बनाए हैं। यहाँ पर हर किस्म की शॉप्स हुआ करती थी। फौज के अंडर में आता है ये। ये यहाँ का एक और खूबसूरत एरिया। यहाँ पर खड़ी ये गाड़ी फॉक्सी, इसकी खूबसूरती को और बढ़ावा दे रही है। ये यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह, बच्चों की आइटम्स, किचन आइटम्स भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। आप फैमिली के साथ आएं,
एंजॉय करें चाहे शॉपिंग करें, दोनों सहूलियत आपको यहाँ मुयसर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन ग्रॉसरी वगैरह के लिए आइटम्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जिम वगैरह भी है, आप फिटनेस इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पार्लर का इफ्तिताह भी शायद अनकरीब होने वाला है, तो आप इंटरटेनमेंट के साथ साथ लेडीज जो हैं वो पार्लर भी जा सकती हैं। ये यहाँ का एक और ग्राउंड, जब यहाँ फनलैंड हुआ करता था हमारे बचपन में, तो यहाँ पे पेशावर के लोगों के उस जुबान उनकी लैंग्वेज के हिसाब से इसको कहा जाता था, नुमाइश लगती है यहाँ पर, लकी ईरानी सर्कस लगा करती थी यहाँ पर। अब इसको क्रिकेट ग्राउंड का नाम दे दिया गया है, वो क्रिकेट ग्राउंड के लिए मुख्तस कर दिया गया है। ये यहाँ का एंट्रेंस है, यहाँ पार्किंग और एंट्री आपको दोनों करवानी पड़ेगी। अब हमारे जाने का वक्त हुआ जाता है। ये बाय मेन रोड है, यहाँ से पार्क के अंदर एंट्रेंस है। यह है पेशावर की खूबसूरती। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा।